जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इस जन्म में हम दुख भोग रहे हैं या सुख भोग रहे हैं, क्या हमारी नियति है, क्या हमारा भविष्य है, इस बात की चिंता तो सभी को होती है और उसको जानने का हम प्रयास भी करते हैं। और उसको जानने का जो माध्यम है वो ज्योतिष है, इसीलिए हम ज्योतिष की शरण में भी जाते हैं ताकि हमें हमारा भविष्य पता लग सके। लेकिन भविष्य तो आपको पता लगेगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपका एक इतिहास भी है, आपका एक भूतकाल भी है। जो कर्म आप करके आ रहे हैं उसी के आधार पर आपको आज वर्तमान मिला है, ये जन्म मिला है, इस जन्म की परिस्थितियां मिली हैं। और यहीं पर आपको एक कर्म भी करना है कि या तो आप अपना हिसाब किताब बराबर करें या कुछ और नया करके उन हिसाब किताब को और बढ़ा लें और अगले जन्म की आप तैयारी करें। इसलिए आज के वीडियो में आपको एक ऐसा सूत्र दे रहा हूं जिस सूत्र से आप स्वयं ये जान पाएंगे कि आपके पिछले जन्मों का रहस्य क्या है। दर्शकों, आपकी कुंडली होती है जो आपको ये बताती है कि आपका वर्तमान कैसा है। आप इस संसार में जब आए हैं तो किन ऊर्जाओं को लेकर आए हैं, वो ऊर्जाएं आपको किस स्थान पर लेकर जाएंगी, आपकी मंजिल क्या है, आपके मार्ग की बाधाएं क्या हैं, आपको मार्ग सुगम मिलेगा या दुर्गम मिलेगा, आप उस मार्ग को प्राप्त भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप उस मार्ग पर चल पाएंगे भी या नहीं चल पाएंगे, आप उस मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे भी या नहीं कर पाएंगे। लेकिन पिछले जन्मों का रहस्य कैसे पता लगेगा, तो वो सूत्र मैं आपको आज के इस वीडियो में दे रहा हूं। आपकी कुंडली का पंचम भाव, पांचवा घर, उसको पहला घर मान करके आप कुंडली का निर्माण कर लीजिए। यानी आपका जो पंचम भाव है उस पंचम भाव को आप लग्न मान लीजिए और उसके आधार पर आप अपनी कुंडली का निर्माण कर लीजिए और फिर उस कुंडली का फलादेश कीजिए। आपको आपके पिछले जन्मों का एक एक कर्म दृष्टिगोचर होगा। आप समझ पाएंगे कि आप वर्तमान के अंदर जो तकलीफ देख रहे हैं, जो परेशानियां आप देख रहे हैं, वो आपको क्यों मिल रही है। कौन सा कर्म आपका पिछले जन्म का था जो इस जन्म में भी आपको परेशान कर रहा है, कितना पुण्य आपने पिछले जन्म में किया है, आपको अपनी पुरानी बैलेंस शीट साफ साफ नजर आएगी। और उसके आधार पर जब आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब देखेंगे तो आपको वर्तमान के रहस्य भी समझ में आएंगे, आपकी परेशानियां और जो आपको मिल रहा है उसका कारण भी समझ आएगा। और जब कारण समझ आएगा तो आप परेशान नहीं होंगे। अब इस बात को बहुत साधारण शब्दों में आपके सामने रखता हूं। यदि मान लीजिए कोई आपसे कहे कि मुझे आपसे 100 रुपए चाहिए या 1,000 चाहिए या 10,000 चाहिए, तो आप कहेंगे मैं क्यों दूं तुम्हें, किस लिए दूं, तुम्हारा अधिकार क्या है मुझसे मांगने का, मेरी इच्छा होगी तो मैं दूंगा, नहीं होगी तो नहीं दूंगा। लेकिन यदि आपको यह पता लगता है कि जो व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है, इससे आपने पहले पैसे लिए थे, उधार लिए थे, और वही उधारी ये वसूल करने आ रहा है, तो क्या अब आपका जवाब यही होगा क्यों दूं, किस लिए दूं? आप बड़े विनम्रता से कहेंगे कि मैं आपका यह पैसा जरूर चुका दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मेरे पास अभी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जितना है मैं उसके आधार पर थोड़ा थोड़ा करके आपको जरूर चुका दूंगा। और जब आप ऐसा कहते हैं तो व्यक्ति आपको समय की मोहलत देता है और कहता है कि धीरे धीरे मेरा पैसा आप जरूर चुका देना। अब यहां इस परिस्थिति में आप कर्जदार तो हैं, लेकिन जिसका कर्ज आपके ऊपर है अब वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने उसके साथ चुकाने का एक वादा किया है और आप धीरे धीरे उसको चुका भी रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप चुकाना बंद कर देंगे वो पुनः आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा, आपको अपशब्द भी कहेगा और आपसे वसूली का प्रयास भी करेगा। आप विचलित भी होंगे, परेशान भी होंगे।
आप कहीं जाएंगे, जाकर कहेंगे व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है, वो व्यक्ति कहेगा कि इससे मुझे अपनी उधारी चाहिए, तो यहां पर आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, कोई सहयोग नहीं मिलेगा। आप नहीं चुकाएंगे तो वो कानूनी तौर पर आप पर मुकदमा करके आपसे पैसे वसूल करने का प्रयास करेगा, यानी आप उससे बच नहीं सकते। आप वो पैसा नहीं चुका करके और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जो आपके लिए विषम हो। इसी तरह से हमारे कर्मों का सिद्धांत भी है। जब हम कुछ कर्म करते हैं, हम कहते हैं हम क्यों करें, किस लिए करें, हमारा तो सब कुछ सही चल रहा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तब आपको ये नहीं पता कि आपके पिछले जन्मों का क्या हिसाब किताब बाकी है। लेकिन जब आपको यह पता चल जाता है कि आपके पिछले जन्मों का हिसाब किताब क्या है, तो आप सहजता के साथ उसका भुगतान करने को तैयार होते हैं, और तभी आप अपनी कुंडली के आधार पर वो समाधान करते हैं, उपाय करते हैं। आप कहते हैं उन ग्रहों से, उन परिस्थितियों से, उन ऊर्जाओं से कि मैं आपका वो ऋण चुकाने को तैयार हूं जो मैंने आपसे पूर्व जन्मों में लिया है, पर मैं पूरा एक साथ नहीं चुका सकता, मैं धीरे धीरे करके आपका वो ऋण चुकाऊंगा। आप उपाय करते हैं, प्रयास करते हैं, आपका वो ऋण धीरे धीरे उतरता है और वो ग्रह आपको परेशान नहीं करते हैं क्योंकि आप ऋण समय पर चुका रहे हैं। लेकिन जब आप ऋण चुकाना बंद कर देते हैं, अपने उपाय बंद कर देते हैं, समाधान बंद कर देते हैं, तो वो ग्रह पुनः और रुद्र रूप में आपके सामने आते हैं, वसूली का प्रयास करते हैं। आप परेशान होते हैं, भटकते हैं, मंदिरों में जाते हैं, धर्म स्थलों पर जाते हैं, दान करने का प्रयास करते हैं, तंत्र मंत्र साधन अपनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सारे प्रयास विफल हो जाते हैं क्योंकि जो आपको चुकाना है वो तो चुकाना पड़ेगा। और यहां बल्कि प्रकृति भी आपके साथ अन्याय करना आरंभ कर देती है। मैं ये नहीं कहूंगा अन्याय करना आरंभ कर देती है, बल्कि प्रकृति आपका साथ देना बंद कर देती है। और जब प्रकृति आपका साथ देना बंद कर देती है तो आपके लिए परिस्थितियां और विकट हो जाती है। यही कर्म का सिद्धांत है, यही ज्योतिष का ज्ञान है और यही ज्योतिष का रहस्य है। इसीलिए दर्शकों, कर्म के सिद्धांत को समझिए। मैंने आपसे कहा है ना, युग परिवर्तन का समय, आपको हर प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा, शास्त्र संवत मिलेगा, वैज्ञानिक कसौटी पर खरा मिलेगा, और जिसको आप समझ करके अपने दुखों का अंत भी अवश्य कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।